please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Naam Nirmal Singh Bhangoo, umr 61 saal, pesha doodh bechne se shuru hua aur pahuncha 183,000 acre zameen tak. Aarop, fraud karke CIS Ponzi scheme chalane ka aur takriban 5000 crore ko isse thagne ka. Haliya sthiti, Tihar jail. Namaskar, aap dekh rahe hain Realty Media aur main hu aapke saath Rakesh Singh. स्वागत है आपका निर्मल सिंह भंगू से जुड़े रियल्टी टॉक के एक और एपिसोड में. पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि निर्मल सिंह भंगू कैसे शुरुआती दिनों में दूध बेचा करता था. उसके बाद उसने पीयरलेस कंपनी में काम करा और भी कई जगहों पे उसने काम करा. और फिर मैंने जो पिछला एपिसोड ख़त्म करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि निर्मल सिंह भंगू ने अपनी कंपनी की नींव डाली थी. तो आज मैं बताऊँगा कि उसने अपनी कंपनियों को कैसे आगे बढ़ाया और आज वो इस मुकाम पर पहुँचा. लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारा एपिसोड देख रहे हैं वो निर्मल सिंह भंगू से इंस्पायर ना हो जाएं, इसलिए मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि बुरे काम की उम्र कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो ख़त्म सलाखों के पीछे ही होती है. बात है सन 1980 की. 1980 में निर्मल सिंह भंगू ने स्थापना करी PGF की. PGF यानी कि पर्ल्स गोल्ड फॉरेस्ट. पर्ल्स गोल्ड फॉरेस्ट के अंदर भंगू ने CIS स्कीम चलाई थी, जिस स्कीम में इनके लोग इन्वेस्टर्स के घर जाते थे और इन्वेस्टर्स से कहते थे कि आप इसमें स्कीम में पैसा लगाइए, आपका पैसा कंपनी एग्रीकल्चरल लैंड में लगाएगी और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए जाएंगे. भंगू की स्कीम चलने लगी, पैसे आने लगे. इतने पैसे आए कि भंगू ने एक और कंपनी खोल दी जिसका नाम रखा गया PACL. ये कंपनी खुली थी 1996 में. उस समय सेबी के कोई भी मानक नहीं थे. 1997 में सेबी के मानक आए. उन मानकों पर जब जाँच हुई तो भंगू जी की ये दो कंपनियां सेबी के शक के दायरे में आ गई. सेबी ने केस कर दिया. जब सेबी ने केस करा तो पंजाब हाई कोर्ट में जो भंगू की कंपनी थी PGF पर्ल्स गोल्ड फॉरेस्ट, इसे पंजाब हाई कोर्ट ने फर्जी कहकर बंद करा दिया. उस वक्त PACL को खुले एक ही साल हुआ था. वो वजह थी या कुछ और वजह थी ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उस वक्त PACL को क्लीन चिट मिल गई थी सेबी के द्वारा भी और कोर्ट के द्वारा भी, और PACL चलती रही थी. PACL कंपनी को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप PACL के नाम की कहानी जान लें. निर्मल सिंह भंगू की लोग बताते हैं कि पहले एक कंपनी थी जिसका नाम था गुरवंत एग्रोटेक. उसी कंपनी का नाम बदल के बाद में PACL कर दिया गया था. लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि कोई पहले कंपनी थी जिसका नाम था गुरवंत एग्रोटेक जिसको बदल के PACL कर दिया गया था. अब बात करते हैं PACL कंपनी के बारे में. PACL कंपनी के अंदर एक स्कीम चलती थी जो निर्मल सिंह भंगू के द्वारा चलाई गई थी. इस स्कीम के अंदर बहुत सारे लोगों का स्टाफ था. ये स्टाफ आम लोगों के घर जाता था, उनके दरवाजे खटखटाता था और उन्हें अपनी स्कीम समझाता था. स्कीम आप भी समझ लीजिए. जो एम्प्लॉय होते थे वो लोगों से कहते थे कि आप हमारी कंपनी में पैसे लगाइए, उस पैसे की कंपनी ज़मीन खरीद लेगी और उसके बदले में आपको या तो साल के 12.5% का ब्याज मिल जाएगा आपके पैसों पे, या तो फिर आप अपनी ज़मीन भी ले सकते हैं. अगर आपको कुछ शक लगे, दिक्कत लगे तो ज़मीन भी मिल जाएगी आपको. तो आपके पैसे बिल्कुल श्योर होंगे, कि उनके मन में कोई दुविधा ना रहे कि उनका जो पैसा लगाया हुआ जा रहा है वो जा कहाँ रहा है. तो ये पैसा ज़मीन पे लगाएगी कंपनी, उस ज़मीन के पैसे बढ़ेंगे ऐसा बताया जाता था. और पैसे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फ़ायदा आपको भी होगा और कंपनी को भी होगा और साझा मुनाफा होगा. भंगू की ये स्कीम चल पड़ी. PACL कंपनी बड़ी होने लगी. अब कंपनी बड़े होने लगी तो इसके अंदर एम्प्लॉयज़ भी बढ़ने लगे. और जब एम्प्लॉयज़ बढ़ने लगे तो लोगों की एक कहावत बड़ी मशहूर है भंगू के बारे में, जो ये बताते हैं कि भंगू अपनों पर ज़्यादा भरोसा करता है. यही वजह थी कि भंगू को मिलाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 5 लोग थे उसमें भंगू और भंगू के परिवार के ही 2 लोग थे, बाकी 2 लोग अलग थे. PACL कंपनी के चलने के बाद भंगू ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. उसके बाद भंगू ने स्थापना करी पर्ल्स कंपनी की. पर्ल्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई कि भारत के जितने भी प्रमुख शहर हैं जिन्हें हम मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, मोहाली, पंजाब, चंडीगढ़, सब जगह पर पर्ल्स के कंस्ट्रक्शन चलने लगी और बहुत बड़े पैमाने पर चलने लगी. उसके बाद भंगू ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. इसके बाद भंगू जी का जब भारत में पूरा बिजनेस फैल गया तो भंगू जी पहुँचे विदेश की तरफ.
भंगू जी ने प्रस्थान करा ऑस्ट्रेलिया। भंगू ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में होटल खोला जिसका उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली को बनाया था। यही नहीं, यहाँ तक कि वो तो ऑस्ट्रेलिया में सोसाइटी बसाने चले थे ब्रिस्बेन में, जो शायद अब भी प्रोसेस में है या अब तो भंगू जी अंदर हैं तो शायद वो काम रुक गया। भंगू जी के जब सारे काम चलने लगे तो भंगू जी ने कदम रखा खेल के मैदान में। अब खेल के मैदान में खेलने के लिए कदम नहीं रखा था, इन्होंने स्पोर्ट्स टीमों को स्पॉन्सर करना शुरू करा, जैसे कि पंजाब की जो IPL की टीम है किंग्स इलेवन पंजाब, उसके मुख्य स्पॉन्सर बनेंगे। उसके बाद कबड्डी टीम के स्पॉन्सर बने, सुपर फाइट लीग में भी ये स्पॉन्सर थे। इसके बाद भंगू जी को ख्याल आया कि क्यों ना अपना चैनल ही खोल लेते हैं, जिसका नाम रखा इन्होंने P7। निर्मल सिंह भंगू की ज़िंदगी चकाचौंध से भर गई थी। खेल जगत के बड़े स्टार्स, फिल्मी दुनिया के बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भंगू की पार्टियों में आने लगे थे। सिर्फ यही नहीं, बड़े बड़े नेता भी भंगू से मिलने लगे थे, भंगू के घर पर आने लगे थे। मीडिया में भी भंगू जी छा गए थे, हर जगह हर हाईलाइट TV मैचेस सब जगह निर्मल सिंह भंगू जी दिखते थे। लेकिन भंगू को ये नहीं पता था कि ये चकाचौंध एक दिन उनके फंसने का कारण बनेगी और इसी की वजह से वो सबकी नज़रों में आ जाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे भंगू जी पे पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू करा, किस तरह से वो SEBI की नज़र में आए और किस तरह से उनके ऊपर कोर्ट ने शिकंजा कसा। और हाँ, जाने से पहले एक बात और, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि वो आइकन दबाने के बाद ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा और भंगू के बारे में असली कहानी तो अब तीसरे एपिसोड में पता चलेगी, जब आपको पता चलेगा कि पीछे जो ये कंपनियां खुली थी ये क्या थी। असलियत तो तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।